अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स, ओके, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 150। सो ओपन योर बुक एंड लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। और ये कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये चैप्टर नहीं किए। मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल है अभी चैप्टर हम कर सकते हैं ऑनलाइन अच्छे से, तो वो चैप्टर्स मैंने ले लिए हैं। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम कौन कौन से चैप्टर ऐसे वन में लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो डेसिमल्स में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक क्या होता है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। जो ये वाली वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, ओके। और जो पॉइंट के इधर साइड वाली वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। अब देखिए, अब मैं स्टार्ट करूँगी जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है यानी इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट में नॉर्मल प्लेस वैल्यूज़ वैसे ही होती हैं जैसे आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि पहले वाली होगी वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पार्ट में कुछ चेंजेस हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं कि इसके जस्ट बाद जो वैल्यू होगी, एक तो पहला ये हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, इसके लिए हम कहाँ से करेंगे, इधर साइड से करेंगे। इसमें क्या है, हम लेफ़्ट साइड से चल रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड से, लेकिन इधर हम लेफ़्ट साइड से चलेंगे। अब इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो वंस नहीं होती, कहाँ से स्टार्ट होता है, टेंथ। इसमें क्या होता है, टेंस। ये डिफरेंस देखते जाइएगा, इसमें क्या है एस, इसमें क्या है टी एच, टेंस। एस भी लगा सकते हैं, ठीक है, टेंस। फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट है उसमें नॉर्मल है वंस, टेंस, हंड्रेड जैसे आप हमेशा पढ़ते आए हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वंस नहीं होता, कहाँ से स्टार्ट होता है, टेन से स्टार्ट होता है। वो टेंस नहीं होता, क्या होता है, टेंथ, टी एच, टी एच, टी एच, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सी एक्सरसाइज 8.1, इट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। कह रहे हैं कि इनके आपको प्लेस वैल्यू टेबल में इनको आपको प्लेस करना है कि ये कहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो हम प्लेस वैल्यू टेबल ना करके, प्लेस वैल्यू टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं आसान करूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ऑनलाइन, तो हम हर एक की प्लेस वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो आप जो है क्या लिखेंगे, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स प्लेस वैल्यू, टेबल हटा दीजिएगा यहाँ से, ठीक है, और इंदा भी काट दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, किसी को कन्फ्यूजन ना, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑफ ईच डिजिट। हर एक डिजिट की हम प्लेस वैल्यू उसमें बताएंगे। थोड़ा सा चेंज किया मैंने क्वेश्चन को ताकि हम और ईजीली समझ सकें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एरो बनाएंगे, 5, 0 और 2, ठीक है। अब देखिए, 5 कौन सी जगह पर आ रहा है, टेंथ, ठीक है। 0 अगर हम टेबल बनाते तो कहाँ पर आता, वंस के अंडर में, और ये कहाँ आता, टेंथ के अंडर में। इसमें कंफ्यूज मत होगा कि 0 की प्लेस वैल्यू तो हम 0 ही लिखेंगे, बस हम टेबल के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ लाइक करेगा, तो ये चीज़ हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप बस ऐसे एरो बनाएंगे और आपको मेन ये समझना ज़रूरी है कौन किसके अंडर में आएगा, ये टेंथ की जगह आएगा, ये वंस और ये टेंथ की जगह, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें, बी पार्ट इज़ 0.71, तो यहाँ पे भी आप 3 एरो बना लें। अब देखिए, 7 की प्लेस वैल्यू कौन सी है, पॉइंट के जस्ट बाद है, तो पॉइंट के जस्ट बाद हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, टेंथ, ठीक है। टेंथ के बाद कौन सा आएगा हमारा, हंड्रेड। याद रखना है कि इधर वाली वैल्यू में वंस नहीं आता और यहीं से स्टार्ट होती है काउंटिंग, और टेंथ के बाद हंड्रेड्स आएगा और टी एच ज़रूर होगा दोनों में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये 0, तो आप तो को ये तो पता ही होगा कि कौन से लाए, कहाँ लाए करेगा, वंस में। चलिए नेक्स्ट पार्ट एक और देख लेते हैं,
121.3। तो इसमें हमारे पास चार डिजिट हैं, तो चारों डिजिट की हमें बताएंगे। पॉइंट की जस्ट बाद आ रहा है तो कौन सा हो गया ये टेंथ, और पॉइंट से इधर तो नॉर्मल हम जैसा पढ़ते हुए आए हमेशा से वंस टेंस और ये हंड्रेड्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा है और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के फॉर्म में। सो लेट्स ट्राई इट्स फर्स्ट पार्ट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 3 tens and 7 tenths। तो आपको ये पता है, मैं एक ट्रिक और ये बताऊँ कि अगर हमारे पास TH नहीं है तो हम उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल S है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और अगर TH के साथ वाला S है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखिए इससे बहुत इजी होने वाला है कि हमने स्टार्ट किया, पहले हमने क्या लिखा, 3 लिख दिया हमने। 3 के बाद अब क्या आ रहा है, टेंस, यानी सिर्फ S वाला आ रहा है, TH वाला नहीं, तो हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 10 के साथ 3 का मल्टीप्लाई। ओके अब देखिए एंड की जगह आप क्या लगाएंगे, प्लस 7। अब क्या है, TH 7 tenths, तो आप क्या लगाएंगे, डिवाइड, और नीचे लगाएंगे 10। अगर ऐसे है तो हमने मल्टीप्लाई किया, और TH वाला है तो हमने क्या किया, डिवाइड। तो अब देखिए 3 tens है, क्या हो गया, 30, और हमारे पास यहाँ पे कितने ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है, तो हमने बस नंबर लिखा ऊपर वाला, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट। ये बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा, नहीं भी होगा तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस पे डिपेंड करता है कि हम आंसर क्या लिखेंगे। बहुत इजी होते हैं ये सॉल्व करने, कैसे कि जैसे बस मैंने ऊपर न्यूमरेटर लिखा, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो मुझे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1। दूसरा डिजिट नहीं था हमारे पास तो हमने क्या लगाया, खुद से 0 1 2 पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे होता है 23/100, तो ऊपर मैंने सिर्फ 23 उतारा, और कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, तो 1 2 पॉइंट। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, ये उतारिएगा मत आप लोग कॉपी में। तो अब इन दोनों को बस हम एक साथ लिख देंगे, कितना हो गया ये, 30.7। ओके एक और मेथड हम इसको सॉल्व करने के लिए फॉलो कर सकते हैं, और वो मेथड क्या है कि आपको पता है कि 3 tens की जगह पे लिखना है, तो tens कहाँ आएगा, ये होती है इधर वाली ones, फिर आता है tens, ये वाली स्पेस ब्लैंक है अभी, फिर 7 tenths, पॉइंट के जस्ट बाद 10th आता है, तो यहाँ पर आ गया 7। जो जगह बच गई वहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, 30.7। जैसे आपको इजी लगे, पहला वाला इजी लग रहा था आप पहला वाला फॉलो कर सकते हैं, ये वाला इजी लग रहा है तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके सो हियर इज इट्स सेकंड पार्ट, 416 and 500। मुझे पता है सबको सेकंड मेथड ही ज़्यादा इजी लगा होगा कि हम डायरेक्ट लिखें, तो मैं वही वाला फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देखें कि एंड से पहले एंड लगा हुआ है, एंड से पहले पॉइंट से पहले है, एंड के बाद वाला पॉइंट के बाद है। ठीक है, तो एंड से पहले हमारे पास क्या है, 416 लिख दिया हमने, 416। अब एंड आ रहा है, हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। 500 यानी 5 को हमें कौन सी जगह पे लिखना है, 100 की जगह पे, तो पहली वाली वैल्यू तो हमारी 10th होती है, तो हमने हमारे पास वो है नहीं, हमने क्या लगा दिया, 0। फिर होती है 100, तो 100 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 5। ओके सो नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। थर्ड पार्ट इज 207 and 5300। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे, ये देखिए कि एंड से पहले हमारे पास क्या है, 207, तो हमने लगा दिया 207, एंड आ रहा है हमने लगा दिया पॉइंट। अब आ रहा है 5300, यानी 100 की जगह पे 53 लिखना है। अब आप सोचेंगे 100 तो सिर्फ एक ही जगह होती है, उस पर हम 53 कहाँ से लिखें, है ना। तो मैं आपको बता दूँ क्या होता है, जब भी अगर ऐसे 2 डिजिट होते हैं तो वो पहले शिफ्ट हो जाते हैं। मीन्स मेरे पास ये जगह ब्लैंक है क्योंकि 10th की जगह कुछ नहीं है। अब क्या आ रहा है, 53 आ रहा है, तो मैं इसे लिखना स्टार्ट करूँगी तो 3 यहाँ आएगा और 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं आपको नॉर्मल जो हम इससे पहले कर रहे थे उसी से एक्सप्लेन कर देती हूँ,
और आंसर यही होगा, सो नोटेड डाउन इन योर नोटबुक। तो इसे हम कैसे समझेंगे, 207, हर तरीके से समझना ज़रूरी है कि कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं हमारे पास सॉल्यूशन हो, ठीक है। 207 तो किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी लिखना। अब क्या आ रहा है हमारे पास, एंड 5300, टी एच वाला है तो हमने क्या लगाया, डिवाइड के साथ 100, टी एच है इसलिए डिवाइड लगाया, और 100 है इसलिए नीचे 100 लिखा है, ठीक है। अब 207 तो एज इट इज़ रहा, अब मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 53 मैंने एज इट इज़ लिखा, दो जीरोज़ हैं तो दो डिजिट के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट। अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूँगी, 207.53। होप सबको ये क्लियर हो रहा होगा, क्लियर नहीं है तो बार बार वीडियो वीडियो देखते रहिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, फ्रॉम टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।